पायल अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने पायल को ना बच्चों की तरह रखा था। एक बार पायल बहुत छोटी सी थी, पतली सी पायल थी, प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टर ने बोला प्रेग्नेंट, मैं बहुत खुश था। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो ना इसके ना बच्चादानी में गांठ बन गई थी। डॉक्टर कह रहे या तो बच्चे को बचा लो या पायल को। मैं बोला भैया बच्चे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे पायल चाहिए। तो बच्चे वो निकाल ली, बच्चादानी निकाली, तो उसमें फिर डॉक्टर ने बोला कि माँ नहीं बन सकती कभी जिंदगी में। तो कुदरत ने ऐसा सुना कि प्रेग्नेंट हो गई है अचानक से, और मतलब हम कर रहे थे ट्राई, अचानक से आई भाग भाग चुकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो प्रेग्नेंट हुई और ये कह रही मुझे मूवी देखने जाना, और हम रहते थे पांचवी मंजिल में, मतलब मूवी में नहीं देखने जाना, तू यहीं रह। ये हॉरर मूवी देख के इसके साथ फिर दिक्कत हो, अचानक से ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि होते ना अर्ली प्रेगनेंसी में देयर आर मेनी चांसेस। तो वो जो दुख मैंने इसके साथ देखे थे, तो मुझे था कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। फिर कुदरत ने दोबारा सुनी, मतलब डॉक्टर ने बोला 1% चांस है IVF करा लो, फिर चीकू। तो सारी चीजें मतलब इतने स्ट्रांग होगी दीवारें कि भैया मैं तो आज के दिन मतलब भगवान से भी चैलेंज कर सकता हूँ कि अब ये जो हमारी दीवारें हैं ना भगवान भी नहीं तोड़ सकते।